Assalamu alaikum. Hi, this is Jay from Shapes. I hope everyone is doing well at home. आज का हमारा टॉपिक रमज़ान से रिलेटेड है कि हमें रमज़ान में एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए. बिल्कुल हमें रमज़ान में एक्सरसाइज करनी चाहिए और वैसे भी बड़ा ब्लेसिंग मंथ होता है और फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी. अब जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा रमज़ान के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं कि हाउ फ्रीक्वेंट शुड आई वर्कआउट, हाउ शुड माई वर्कआउट बी लॉन्ग, एंड वट टाइप ऑफ एक्सरसाइज टू डू, एंड वट इज़ द बेस्ट टाइम टू एक्सरसाइज. तो इन सारी चीज़ों के क्वेश्चन मैं आगे वीडियो में आपको चल के दूंगा. जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हमें वर्कआउट किस टाइम, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें एक्सरसाइज किस टाइम करनी चाहिए. हमें एक्सरसाइज देखें, अगर हम रमज़ान के स्केड्यूल का देखें तो रमज़ान, अगर आप साइंस के अकॉर्डिंगली देखें तो एक्सरसाइज तो आपको सहरी से पहले करनी चाहिए. बट हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई इस तरह के जिम ओपन नहीं होते कि रात को लेट नाइट हो, जैसे कि पूरी दुनिया में खुले होते हैं. तो हमारे स्केड्यूल इस तरह से है. तो अगर तो आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं और अगर आप चाह रहे हैं कि आपका फैट भी लॉस हो और अगर आप वेट ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं, इनकी मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग आपको बता देता हूँ कि आपको वर्कआउट एक्चुअल में इसको किस तरह से डिवाइड करना चाहिए. अगर तो आप फैट लॉस के लिए वर्कआउट करना चाह रहे हैं तो आपका सबसे बेस्ट टाइम है बड़ा अफ्तारी से पहले, अफ्तारी से एक घंटा डेढ़ घंटा पहले आप उस टाइम पर एक्सरसाइज कर सकते हैं. आपकी जो बॉडी होती है वो एक 14 से 15 घंटे के लिए एक कैटाबॉलिक स्टेट में जा चुकी होती है. लाइक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से आपने खाना नहीं खाया होता और आप अगर अब फैट लॉस के लिए लाइक कार्डियोवेस्कुलर टाइप ऑफ एक्सरसाइज अगर आप अफ्तारी से पहले करने जाते हैं, लाइक आप गए हैं, आपने 40 मिनट का कार्डियो किया, उसमें डिफरेंट मशीन यूज़ किए, आपने क्रॉसफिट की एक्सरसाइज की, एरोबिक की एक्सरसाइज की है, तो आपके वो फैट लॉस के लिए सबसे बेस्ट है. मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोर फैट यू बर्न फ्रॉम द फास्टिंग डाइट. सो आप क्या सीन है कि हमारी जो डाइट होती है, मतलब मार्केट में बहुत सारी डाइट है, जैसे कि टाइप ऑफ एटकिंस डाइट है, कीटो डाइट है, वेजिटेरियन डाइट है, द जोन डाइट है, इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट है. सबसे बेस्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट है क्योंकि आपकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में 14 से 15 घंटे आपने कुछ खाया पिया नहीं हुआ, तो जब आप हिट करें, आप रात को सो के सुबह एक्सरसाइज करने जा सकते हैं तो फिर पूरा दिन भूखा रहेगा, क्यों नहीं एक्सरसाइज कर सकते. तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है. तो अगर आप फैट लॉस करने के लिए जा रहे हैं तो बेस्ट एंड बेस्ट टाइम आपका जो है वो अफ्तारी से पहले है. और अगर आप वेट ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं, आप अफ्तारी से पहले कार्डियोवेस्कुलर एक्टिविटी के साथ मॉडरेट एक्सरसाइज, मॉडरेट वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज ना करें क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है इतनी. व्हेन यू कट द सप्लाई ऑफ एनर्जी, होता क्या आपकी बॉडी जब आप एनर्जी बिल्कुल कट कर देते हैं बॉडी में से, क्या अगर आपने, मतलब मैं कोई चीज़ खा रहा हूँ और फिर मैं जिम जा रहा हूँ तो मुझे एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड हो रही है? मुझे एनर्जी प्रोवाइड हो रही है मेरी जो मैंने डाइट प्रोवाइड ली हुई है वहाँ से एक्टिव हो रही है, यानी कि आपकी जो स्टोर एनर्जी है वहाँ से आ रही है. और अगर आप की बॉडी 14 से 15 घंटे की फास्टिंग के अंदर है तो अभी हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने नेचुरल सिस्टम ऑन किया होता है. अगर आपकी बॉडी के अंदर से जो 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 खाने ने हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी है अगर वो नहीं प्रोवाइड कर रहा तो हमारा सिस्टम एक होता है विच इज़ कॉल्ड लाइक किटोसिस. सो वो सिस्टम ऑन हो जाता है, उसकी हमें फैट, जो हमारे जो फैट पॉकेट्स हैं, जो फैट सेल्स बने हुए हैं, तो हमें वहाँ से एनर्जी आना शुरू हो जाती है. तो हमारा फैट लॉस का सबसे जबरदस्त सिस्टम ऑन हो जाता है इस तरह के पैटर्न के अंदर विद कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी. और इफ यू वांट टू गो फॉर वेट ट्रेनिंग, आप कहें कि जी मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता, मेरे लिए मुश्किल है, आप अफ्तारी के बाद वेट ट्रेनिंग करें. इफ यू मतलब कीप पुशिंग हार्ड, आप बहुत हार्ड करें, अपने मसल के फाइबर को लाइक मसल टीयर कर रहे हैं और देन आपके फाइबर दोबारा रीबिल्ड होते हैं फॉर हाइपरट्रॉफी के लिए, और फिर आप जाकर अपना प्रोटीन शेक वगैरह ले लें, उस लिहाज से तो वेट ट्रेनिंग के लिए परफेक्ट है. लेकिन मैं फिर वही चीज़ कह रहा हूँ कि अगर आप अपना फैट लॉस करने जा रहे हैं तो सबसे बेहतरीन कार्डियोवेस्कुलर एक्टिविटी बिफोर अफ्तारी है. तो इन सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है. इन सारी चीज़ों के साथ साथ आपने रमज़ान के अंदर जो अपनी वाटर इनटेक है उसको नीचे नहीं होने देना, अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को नीचे नहीं होने देना. आप अपने वाटर इनटेक को जब आप लाइक अफ्तारी के बाद जब आपके पास टाइम है 8 बजे से लेके सुबह 2 बजे तक टाइम होता है, आप कोशिश करें उसमें अपना पानी पूरा करें ताकि आप हाइड्रेट रह सकें. इसके साथ आप अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को भी मॉनिटर करते रहें, वो भी उतने ही ज़्यादा रमज़ान के अंदर ज़रूरी है. इलेक्ट्रोलाइट्स आप फ्रेश जूसेस से ले सकते हैं, आप स्पोर्ट्स ड्रिंक से ले सकते हैं, आप इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वाटरमेलन, आपके पास अब जो भी फ्रेश फ्रूट्स अवेलेबल है उनकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है. आप कोकोनट वाटर से बहुत अच्छा आप इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा कर सकते हैं. इन सारी चीज़ों के साथ आप रमज़ान के अंदर इस तरीके से जो पैटर्न मैंने आपको बताया आप इस तरीके से एक्सरसाइज करें, मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी भी तरह का मसला होगा. आपकी बॉडी आपको ऑब्वियसली पहले रमज़ान के शुरू के 8-10 रोज़े मुश्किल लगेंगे, लेकिन उसके बाद आपको ये चीज़
आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी उसके साथ, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से ये सबसे बेहतरीन तरीका है आपका एक्सरसाइज करने का। और अगले टॉपिक में इंशाल्लाह कोई नया टॉपिक लेके आपके साथ हाजिर होंगे, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।